तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को बेसिकली देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये कहते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल साइज ऑफ एंटीना एल शुड बी कंपेरेबल टू वेव लेंथ ऑफ द सिग्नल लैमडा, एटलीस्ट एल मस्ट बी इक्वल टू लैमडा बाई फोर, ठीक है ना। यहाँ लैमडा बाई फोर रहेगा यहाँ पर मिस प्रिंट, ठीक है। मतलब मिनिमम जो है हाइट ऑफ एंटीना जो है साइज ऑफ एंटीना वेव लेंथ का एल वाई लेमडा बाई फोर होना चाहिए। आ रहा समझ में आपको? तो ये वाली जो चीज़ है थ्योरेटिकल बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर लेमडा ज़्यादा हो, मतलब लेमडा मतलब ये अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखोगे या लेमडा बहुत ज़्यादा रखोगे, तो साइज लेमडा चेंज होने से हाइट ऑफ एंटीना चेंज हो जाती है। बात समझ में आ रहा? तो ये जब मैं इस मिनिमम इतना अगर रखोगे एल बाई फोर, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डिराइव है, समझ में आया। सेकेंड, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा, तो एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा ही, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव रिमेंस कॉन्स्टेंट, बिल्कुल गलत बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से तुम देखोगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन अपने गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।